वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार लैपटॉप खरीदना कितना मुश्किल है, कौन सा सबसे पहले मन में कंफ्यूजन आएगा, विंडोज लूं या मैक लूं। तो देखो, विंडोज और मैक के लिए भयंकर लड़ाइयां चली है सदियों से है ना, कि कौन से लैपटॉप बेहतर है। अगर विंडोज को बात करोगे, विंडोज के अपने कस्टमर हैं और मैक के अपने कस्टमर हैं, तो दोनों की अगर बात करें, दोनों ही लैपटॉप जो है बहुत बढ़िया होते हैं। दोनों के ही अपने सेगमेंट हैं। विंडोज़ के लैपटॉप क्यों लेना चाहिए या मैक के क्यों लैपटॉप लेना चाहिए, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे तो मैक के जो लैपटॉप होते हैं विंडोज़ कभी कंपेयर नहीं कर सकता। बट अगर OS में फ्लैक्सीबिलिटी की बात करेंगे तो विंडोज़ के लैपटॉप बेहतर फ्लैक्सीबिलिटी देते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं MacBook Air 2021 मॉडल वर्सेस MacBook Air 2017 मॉडल। देखो, हर साल नए लैपटॉप आते हैं, नए फ़ोन आते हैं, क्या हमको हर अपडेट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं 2017 मॉडल भी यूज़ कर रहा हूँ एंड 2021 का जो M1 वर्सन था वो भी यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या चेंज है दोनों लैपटॉप में, ये देखते हैं हम। और शुड यू परचेज 2021 या फिर 2022 में आ गया M2 का, उसको खरीदना चाहिए। देखो, कभी भी ये रेस में अगर जाओगे ना कि क्या हमेशा अपग्रेड कर रहा है, तो हमेशा अपग्रेड नहीं कर सकते तुम, ठीक है। अगर तुम बहुत पैसे कमाते हो ना, देन इट इज़ वेरी एनफ कि चलो हर साल नया खरीद लो। बट नया खरीद के करोगे क्या? अगर तुम्हारे पास नहीं है लैपटॉप, इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज अ न्यू लैपटॉप, फिर नए लैपटॉप खरीदो कोई भी, ठीक है। तो चाहे जब भी खरीदोगे तो ओबियस गो फॉर दैट न्यू ट्रेंड, लेकिन जब भी खरीदोगे वो अगले साल पुराने होने ही हैं। तो चलो, इस दोनों लैपटॉप की हम बात करते हैं। ये 2017 मॉडल है, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना ज़्यादा है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, लगभग दोनों सेम है। अगर साइज़ की बात करें तो थोड़ा सा ये छोटा ही लगता है, देख लो। ये लेंथ एंड ब्रेथ दोनों छोटी की गई है इसको, और ज़्यादा स्लिम बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि जो 2017 मॉडल थे उसमें ये जो एप्पल है ये ग्लो करता था और ये बहुत अच्छे लगते थे देखने में। इस पर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट होता था, पेन ड्राइव लगाने के होते थे, और इसमें बहुत सारे यहाँ पे थंडरबोल्ट लगा सकते हो HDMI केबल के लिए, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट है, ये जो है यहाँ पे एक और पेन ड्राइव के लिए है, जो कि इस लैपटॉप में गायब कर दिया गया है। मतलब अब कुछ भी तुमको कनेक्ट करना होगा तो अलग से जो है एक पोर्ट लेना पड़ेगा, जो कि लगभग 1000 रुपये से 2000 रुपये तक के आएंगे, जो कि इसमें नहीं थे। इसमें थोड़े से फ्रीडम दिए गए थे। अब कीबोर्ड कितना ज़्यादा चेंज है पहले देखते हैं इसको। इस पर मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दिया है, और ये देखो दोनों जो है सेम है। ये मैकबुक एयर जो है यहाँ पे भी लिखे आते हैं, इसमें भी लिखे आते हैं सेम वैसे। इसमें देखो ये मैकबुक एयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कीबोर्ड है। दोनों की कीबोर्ड की बात करेंगे तो इस लैपटॉप में जो है ये थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है, बाकी अगर देखोगे तो दोनों के कीबोर्ड में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी, सेम है बिल्कुल भी। ये थोड़े से पुराने हो गए हैं तो हो सकता है ये कलर इसके जो है थोड़े से फेड हो गए हैं, बाकी यहाँ पे भी मैकबुक एयर लिखा हुआ है वैसा ही है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी चेंजेस देखने को इस पे नहीं मिलते हैं। बाकी अब स्क्रीन से कंपेयर करो, दोनों की जो ब्राइटनेस है मैंने फुल करके रखी है, मुझे जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं कुछ नज़र आ रहे। इस पे भी देखो ब्राइटनेस जो है वैसी ही नज़र आ रही है, और यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, तो बिल्कुल लगभग सेम है। ब्राइटनेस की बात करें या डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें, इस पे आप देख सकते हो डिस्प्ले में यहाँ पे जो है इसमें जो है बेजेस कम है, और यहाँ पे जबकि जो है इस पे जो पहले जो थे मॉडल इस पे से बेजेस ज़्यादा थे, इसलिए ये जो लैपटॉप है ये बड़ा दिखता है इन कंपेरिजन ऑफ दिस लैपटॉप। बाकी पूरे कीबोर्ड जो है स्लाइड से कहीं कहीं चेंजेज है, जैसे कि इस बटन पे यहाँ पे एक देखो आपको एक यहाँ पे इंटरनेट की बटन दिख रही है यहाँ पे, और इस पे नहीं है, तो बहुत माइनर सा है डिफरेंस, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे ऑप्शन में यहाँ पे थोड़े से स्लाइड से यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बाकी स्पीड की अगर बात करें तो ये OBS है, M1 चिप के साथ है, बहुत ज़्यादा फास्ट है इन कंपेयर ऑफ दैट। अगर मैं एक ही ऐप को दोनों में खोल के देखते हैं क्या कोई टाइम डिफरेंस आएगा, ये बहुत फास्ट खुलता है। इस पे अगर देखें ये भी फास्ट है, बट आई थिंक थोड़े से जो आपको डिफरेंस समझ में आए होंगे, इसकी स्पीड जो है कंपेरेटिव ऑफ दिस वन ये ज़्यादा स्लो है इसके कंपेयर में, चूंकि ये M1 चिप है बहुत ज़्यादा एडवांस है इसके कंपेयर में। कुछ और ऐप के देखें
जैसे यहाँ पे मैंने कीनोट ओपन किया और इसके बाद मैं जो है यहाँ पे कीनोट के लिए जा रहा हूँ। दोनों साथ में ओपन करके देखते हैं। ये देखो इस पे टाइम लग रहा है जबकि ये बहुत तेजी से खुला था। अभी जो है साथ में देखते हैं। ये न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करा मैंने और यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक करा, यहाँ पे आए। ये थोड़े से मैं एक ही हैंड है ये ओपन कर रहा हूँ। ये थोड़े से आप देख सकते हो ये बफरिंग टाइम है जो इसमें ज़्यादा है, थोड़े से है। ये इसके कंपेयर में मतलब जो नए लैपटॉप है इसमें थोड़ा सा ये एडवांस है। तो ऑबियस है चूँकि जिस प्राइस रेंज में आई है वो और जितने जनरेशन के बाद आई है तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो फेस टाइम है कैमरा देख सकते हो, ये इसकी जो कैमरा क्वालिटी है और ये कैमरा की क्वालिटी देखो इसकी और इसकी, मुझे लगता है 2017 वाले ही कैमरा ज़्यादा बेहतर थे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है बट फिर भी हैं, 2017 के जो कैमरा की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर है इन कंपेयर ऑफ ये कह सकता हूँ। हालांकि अभी जो नए लैपटॉप आए हैं उसमें कैमरा ज़्यादा बेहतर हुआ है। हालांकि कैमरा के इस्तेमाल हमको ज़्यादा करते हैं, अभी के टाइम ऐसा आया है जिसमें कैमरा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। और इस पे जो है शायद एप्पल जो पता नहीं ये क्यों दिख रहा है मुझे, होना तो नहीं चाहिए था बट फिर भी कह सकते हो कि इसकी कैमरा की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है इन कंपेयर ऑफ 2017 मॉडल। बैटरी बैकअप बढ़िया है, बैटरी में कोई डाउट नहीं है। पिक्चर क्वालिटी के दोनों की बात करते हैं, दोनों पे सेम वीडियो चला रहा हूँ, 1080p पे दोनों पे चला रहा हूँ। ये देख सकते हो फोन की बैटरी जो है 1 घंटे चलती है तो कोई दिक्कत नहीं। साउंड जो है ये देख सकते हो दोनों पे ब्राइटनेस फुल की हुई है। अब खुद बताओ कौन से बेहतर है, मुझे जो लग रहा है इसमें ज़्यादा बेहतर है M1 में, क्योंकि पिक्चर जो है ओबियस है उसमें ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं बट आँखों में मज़ा जो है ये सिस्टम पे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो मैं पिक्चर की बात करूँ तो इस पर बात करूँगा, ये बेहतर है। साउंड की अगर बात करें तो साउंड देखो यहाँ पे अच्छे हैं। साउंड की भी बात करें तो इस लैपटॉप में साउंड जो है ज़्यादा बेहतर है। ओबीएस है 4 साल के गैप के तो थोड़ी सी साउंड क्वालिटी इंप्रूव की गई है बट पिक्चर साउंड दोनों जो है इसमें भी ख़राब नहीं है। अगर आप पुराने मॉडल यूज़ कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेट मत होना, ये भी बहुत बढ़िया लैपटॉप है। सिर्फ जो मैंने बताया कि मेरी साथ एक दिक्कत हुई, इस लैपटॉप को मैंने बहुत हैवी यूज़ किया और इसका रिजल्ट हुआ कि इसकी बैटरी जो है मेरे ख़त्म हो गए हैं। मतलब देख रह सकते हो मैं अगर चार्ज में हटाऊंगा ये तो ये बंद हो जाएगा। बट इसमें जो है अभी ये जो चूँकि नया है तो अभी ओबीएस है, इसकी बैटरी अभी बहुत लंबी चल रही है, इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। अब कहोगे कि ये दोनों लैपटॉप में क्या अपग्रेड किया गया, तो सबसे पहले चीज़ें हैं कि बैटरी बहुत बेहतर कर दी गई है पहली चीज़। नेक्स्ट चीज़ जो की गई है कि लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत है 2021 में कि इसमें बहुत ज़्यादा स्लॉट नहीं है, तो एक और बढ़िया ऑप्शन ये हो सकता है कि गो फॉर 2022 मॉडल, उसमें जो है ज़्यादा ऑप्शन से नज़र आ रहे हैं। चार्जिंग के पोर्ट वापस फिर 2017 का जैसे मैंने दिखाया लैपटॉप है उसी पे वापस लौटा है और ज़्यादा एडवांस भी हुए हैं। बैटरी बैकअप लगभग सेम है, प्राइस 10,000 रुपये के आसपास बढ़ गई है। तो कुछ ऑफर आते हैं जैसे HDFC के क्रेडिट कार्ड है या और कुछ है, तो अगर जो डिस्काउंट में M1 या M2 जो भी मिलते हैं ठीक है गो फॉर दैट वन। M1 में सिर्फ एक दिक्कत आपको होने वाली है, बहुत ज़्यादा पेन ड्राइव के इस्तेमाल करते हो या कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज के करते हो तो आपको एक अलग से परचेज करना पड़ेगा। बाकी M1 या M2 जो भी आपको मिले, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो गो फॉर M2 वर्जन, अगर M1 ही कम में मिल जाते हैं तो गो फॉर M1, बहुत बढ़िया है, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसा लगा ये प्रोडक्ट कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना और तुम्हें किस चीज़ के रिव्यू चाहिए होंगे ये भी जरूर बताना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और मोहल्ले वालों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।